निकाय चुनाव 29 नवंबर को संपन्न होगा। शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया, जिसके चलते वार्ड 26 से पार्षद पद के भाजपा प्रत्याशी प्रभात कुमार सक्सेना ने अपने पूरे क्षेत्र में जनसंपर्क किया। रोड पर चलते प्रभात सक्सेना ने सभी का आभार प्रकट किया। पोस्टर लेकर चल रहे भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे थे। प्रभात सक्सेना ने सभी से अपील की कि वो 29 तारीख को कमल के फूल वाले बटन को दबाकर भाजपा को विजयी बनाए, क्योंकि भाजपा ही विकास की रफ्तार को तेजी दे सकती है। प्रभात कुमार सक्सेना और उनके समर्थक पूरी ताकत लगाकर जनसंपर्क करते नजर आए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार सक्सेना है। सर कौन से वार्ड से लग रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 26 भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मुझे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे शहर में लहर है, सभी प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य वोट देगा और मुझे भी विजयी बनाए, क्योंकि क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, सब पार्षद जीत के आए, और अगर हमारा मेयर भी जीतेगा तभी शहर का विकास हो पाए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं अपील करता हूँ कि सबसे पहले 29 तारीख को सुबह उठकर सबसे पहले अपना मतदान करें, उसके बाद अपना जलपान करें। धन्यवाद।